वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल, ICSE से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली AC व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। एक अहम अपडेट घग्गर नदी को लेकर है, क्योंकि तेज हरियाणा लगातार आपको पैनिक नहीं बल्कि सही आंकड़ों के साथ अवगत करवा रहा है। हम ब्रेकिंग और TRP की जल्दबाजी में नहीं बल्कि सही ऑथेंटिकेट हर तरीके से उसको पुख्ता किया जाए फिर जानकारी पहुँचाने में विश्वास रखते हैं। दरअसल आज और कल का दिन सिरसा के लिए बेहद भारी पड़ने वाला है, क्योंकि चिंता इसलिए बड़ी है कि आज तक के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा पानी जो गोला चीका हेड से छोड़ा जाना है, वो जिसकी मात्रा परसों 40,000 थी, कल शाम तक मैंने बताया था वो 65,000 के करीब, लेकिन अब रिपोर्ट है कि वो करीब 85,000 क्यूसिक पानी वहां पर हो गया है। प्रशासन के इंतज़ाम नाकाफी है, अब ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला है। आज गुरुवार और शुक्रवार दोनों ये क्यामत के दिन सिरसा वासियों के लिए है, क्योंकि दो दर्जन गांव के लोग तटबंध मजबूत करने में जुटे हैं। दिन रात 5-5 लोगों की ड्यूटियां लगाई जा रही है। हालात से निपटने के लिए ग्रामीण और प्रशासन अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले बताता हूँ कहाँ कितने पानी की मात्रा है। ये आंकड़े अब से 4 घंटे पहले के हैं। करीब 85,000 गुलाचीका की रिपोर्ट है, 15,125 खनोरी बांध पर है, 12,500 चांदपुरा में है, 15,000 सरदुलगढ़ और 13,000 के करीब क्यूसिक पानी ओटू में पहुंच गया है। पहाड़ों में हुई बारिश की वजह घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। गुलाचीका में 85,000 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया, जो कि मंगलवार के मुकाबले बुधवार को 20 से 25,000 क्यूसिक बढ़ गया है। सिरसा में अब गुरुवार और शुक्रवार का दिन खतरे से खाली नहीं माना जाएगा। ओटू हेड पर 12,000 क्यूसिक पानी पहुँच चुका है। दो दिनों में सिरसा में पानी बढ़ने की संभावना है। वहीं प्रशासन के इंतजाम तो नाकाफी देखकर ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। JCB ट्रैक्टर लगाकर बांध मजबूत करने में जुटे हैं। बांध के साथ साथ मिट्टी के बैग भरकर रखे जा रहे हैं। तटबंधों पर देर रात 5-5 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, पहरा दिया जा रहा है, जलस्तर बढ़ने की निगरानी रखी जा रही है। पल पल की रिपोर्ट सरपंच व अधिकारियों को दे रहे हैं। घग्गर नदी पर बने पुल के दोनों तरफ पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। जलस्तर बढ़ने के साथ ही 24 से ज़्यादा गांव के किसानों की चिंता बढ़ गई है। ओटू हेड के गेट बंद कर दिए गए हैं। पानी में कैली अधिक आने से बाधा बनी हुई है। ग्रामीण अपने स्तर पर तटबंधों पर मिट्टी डालकर मजबूती में जुटे हैं। वहीं प्रशासन के प्रति ग्रामीणों का रोष भी है। ग्रामीणों ने कहा है कि प्रशासन के इंतजाम तो नाकाफी है, इसलिए मिट्टी के बैग, ट्रैक्टरों का डीजल, लाइट की व्यवस्था नहीं है। जहां पर बाढ़ का खतरा है वहां JCB उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। ग्रामीण तटबंधों पर मिट्टी डालने के कार्य में जुटे हैं, तो मिट्टी के बैग भरकर रखे जा सकें। अपने स्तर पर कुछ प्रबंध किए हैं। वहीं पर DC सिरसा ने बुधवार को घग्गर का दौरा किया। JCB से जलकुंभी निकालने का उन्होंने निरीक्षण किया था। दो दर्जन के गाँव जो लगातार जुटे हुए हैं, वहीं पर ओटू हेड से निकलने वाली शेरावाली व MGC नहर में पानी न छोड़े जाने को लेकर किसानों ने ओटू हेड पर बुधवार रात्रि धरना लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। घंटा धरना लगाया, रानिया मार्ग को बाधित रखा। घटना की सूचना मिलने के बाद रानिया के तहसीलदार, SDO वहां पर, जो नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे थे और अनेकों गांवों को पानी मिलता ही नहीं हेडों से, ओटू हेड से निकलने वाली इस माइनर से, जिससे अधिकारियों की मर्जी के चलते पानी को नहीं छोड़ा जा रहा। किसानों ने बताया कि दूसरी तरफ पानी से लोग डूब रहे हैं, तो यहाँ पर पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जिसके बाद आश्वासन किसानों को दिया गया है। तो हालात अब सिरसा में भी बदल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको तस्वीर बता रहे हैं कि घग्गर नदी में आज 25,000 क्यूसिक पानी आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि 17,000 क्यूसिक पानी पहले ही पहुंच चुका है। प्रशासनिक अधिकारी प्रबंधों में जुटे हैं, तो आम अंजन और किसानों को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। तो ये स्थिति सिरसा की हम आपको ताज़ा अपडेट बता रहे हैं, और बढ़ते जल स्तर की निगरानी के लिए ठीकरी पहरे के आदेश दिए गए हैं। 25,000 के आंकड़े को पार कर सकती है गुरुवार तक, जो कि घग्गर सिरसा में, और बुधवार को जलस्तर बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से चांदपुर की बात की जाए, यहां पर हेड से पानी, घोलाचीका हेड की बात की जाए, सरदुलगढ़ की बात की जाए, तो रास्ते से सिरसा में प्रवेश करने वाला घग्गर नदी में 17,000 क्यूसिक पानी की अब तक हो चुकी है।
और गुरुवार तक उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा बढ़कर जाएगा। लेकिन डीसी ने ओटू हेड से राजस्थान साइफन तक सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ दौरा करते हुए क्षेत्र में आने के लिए आने वाले तटबंधों पुलों का निरीक्षण करने के आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं और वहीं पर अपने अपने गांव में सरपंचों को निर्देश दिए कि युवाओं की ड्यूटी लगाएं, युवा घग्गर में बढ़ रहे जलस्तर, बाढ़ संभावित खतरे को देखते हुए रात्रि के समय ठीकरी पहरा दें और अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहीं पर जो आपके जिला अध्यक्ष उन्होंने ओटू हेड का निरीक्षण करने के पश्चात वहाँ की तैयारियों को नाकाफी बताया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से वहाँ पर दौरा किया गया था लेकिन वहाँ पर जो जुटाई जा रही व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है। तो पल पल की अपडेट के लिए आप तेज हरियाणा के साथ बने रहें क्योंकि लगातार हम आपको हर सूरत में हर एक अथेंटिकेट जानकारी आपको बता रहे हैं क्योंकि घग्गर का बढ़ता जलस्तर खतरे की घंटी पैदा कर रहा है और खतरे के निशान से कैथल में तो घग्गर 5 फीट ऊपर बह रही है। बाढ़ को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि यहीं से सिरसा से होकर ये पाकिस्तान को जाती है। फिलहाल गुलाचिका की बात करें, खनौरी की बात करें, चांदपुरा की बात करें और उससे पहले सरदुलगढ़ और फिर ओटू, यहीं पर जो हालात हैं वो सबसे बड़े भयावह हैं क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ बारिश पहाड़ी इलाकों में होने की वजह से यहाँ पर जिस तरीके से पंचकुला में हालात हैं, जो 5 जिलों में हालात हरियाणा के हैं, तो उसी की वजह से जो पानी सबसे ज़्यादा पंजाब से भी अगर बारिश होती है तो आना शुरू होगा और निश्चित तौर पर ये बाधा सिरसा वासियों के लिए भी बन सकती है। फिलहाल जो अपडेट हमने आपको बताई कि किस तरीके से घग्गर को लेकर ये ताज़ा अपडेट है, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। जल्दी अगले की आगे की ताज़ा अपडेट लेकर मैं हाजिर रहूँगा। शुक्रिया।